Assalamu alaikum friend, my name is Hami from Finding Hami channel. I am back with the second video of Finding Education playlist. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अ नेटवर्क इंजीनियर इन पाकिस्तान। नेटवर्किंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिप्लोमा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिस्को के प्रोजेक्ट CCNA और BSTN के बारे में, यानी कि बैचलर साइंस इन टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। वीडियो के आगाज में हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बीच में फर्क क्या। मैं टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना खींचते हुए मैं छोटी सी बात ये करूंगा कि टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह रابطہ कायम करने के लिए कोई मखसूस नेटवर्क बनाना, और नेटवर्किंग का मतलब ये है कि कुछ कंप्यूटर या ऑफिस या कुछ बिल्डिंग्स के दरमियान कुछ ऐसा रابطہ कायम करना जिससे डाटा ट्रांसफर आसान हो सके। बैचलर साइंस इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कायम किया जाता है, कैसे डाटा का ट्रांसफर किया जाता है, कैसे फोनिक और सेलुलर डाटा कनेक्शन बनाया जाता है। इसमें मजीद हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, IT के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना सीखेंगे, और इसके अंदर सबसे मजे की चीज हम एवियोनिक्स पढ़ेंगे। एवियोनिक्स ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है जिसे हम किसी भी चीज को सैटेलाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट के अंदर अमूमन इस्तेमाल होता है। मजीद इसके अंदर हम डाटा एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डाटा एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी से तो साफ वाजह है कि ये डाटा और नेटवर्क की सिक्योरिटी टेस्ट और ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रबल शूटिंग है, और क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद है इंटरनेट पर कोई ऐसी सर्विस बनाना जो आपको हर वो डिवाइस पर मैसर हो जहां पर आपको इंटरनेट अवेलेबल हो, जैसे आपके मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ चंद मिसालें जैसे जीमेल, फेसबुक एंड एनीथिंग यू कैन यूज ऑनलाइन। अब बात आती है कि नेटवर्किंग इंजीनियर किस यूनिवर्सिटी में किया जाए। नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए बेशुमार यूनिवर्सिटी है, जिसमें सबसे पहले मैं टॉप रैंकिंग में अपने शामिल करता हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी को। इसके बाद नस्ट, फास्ट और भी दीगर यूनिवर्सिटीज आती हैं। आपको नेटवर्किंग इंजीनियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी मिलेगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्किंग इंजीनियर डिग्री प्रोग्राम 2 साल का है। ये डिग्री प्रोग्राम आपको तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा जहाँ पर BSCS प्रोग्राम मौजूद है। अब हम बात करेंगे CCNA के बारे में। CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट है। सिस्को एक अमेरिकन नेटवर्क हार्डवेयर कंपनी है जिसके CEO चक रॉबिन्स हैं। सिस्को प्रोग्राम के अंदर हम पढ़ते हैं नेटवर्क एंड राउटिंग स्विचिंग के बारे में। अब बात यह है कि नेटवर्क इंजीनियर किस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। नेटवर्क इंजीनियर्स विंडोज सर्वर, विंडोज और लिनक्स के ऊपर काम करते हैं। नेटवर्किंग के अंदर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करेंगे, जबकि राउटिंग स्विचिंग के अंदर आप कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करेंगे। अब बात आती है CCNA कहां से किया जाए। CCNA के लिए मैं नंबर 1 रैंक करूंगा इंस्टीट्यूट कॉर्बिट। कॉर्बिट इंस्टीट्यूट लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में वाकया है, और ये इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग के लिए नंबर 1 रैंक है मेरी लिस्ट में, और ये मैं आपको पर्सनली रैंक कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट, ये कॉर्बिट की जानिब से स्पॉन्सर नहीं है वीडियो। अब बात करते हैं नेटवर्किंग के स्कोप के बारे में। क्या पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप इजीली अवेलेबल है? जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप इजीली अवेलेबल है। नेटवर्क इंजीनियर का स्कोप आपको किसी भी ISP कंपनी जैसे PTCL, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, सॉफ्टवेयर हाउसेस और भी बहुत जगह इसकी वैकेंसीज अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं इंस्टीट्यूट्स की फीस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह ये वीडियो का टाइम बहुत लेंथी हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज की फीस के बारे में आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर इनके प्रोस्पेक्टस मौजूद हैं, आप वहां पर इनकी फीस देख सकते हैं। दिन ब दिन यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ रही है। इस मैटर पे डिस्कस ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड अप्रिशिएट माय वर्क। अल्लाह हाफिज़।